कांग्रेस को जरूर एक झटका लगने वाला है, क्योंकि राजा के गढ़ में अब महाराजा यानी दिग्विजय के गढ़ में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंध लगाने की तैयारी में है। दिग्विजय सिंह को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। खबर है कि पूर्व विधायक के भाई के बेटे हीरेंद्र सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी यानी बीजेपी में ज्वाइन करा सकते हैं। राघवगढ़ के पूर्व विधायक मूल सिंह दादा भाई के बेटे हैं हीरेंद्र सिंह, राघवगढ़ पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे सिंधिया, ऐसी खबरें हैं। कल सिंधिया का दोपहर में राघवगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, वहां पर शिरकत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राघवगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होगा हीरेंद्र सिंह के परिवार का। बता दें आपको, राघवगढ़ सीट पर काफी प्रभाव है और राघवगढ़ वो क्षेत्र है जहां पर दिग्विजय सिंह का भी काफी प्रभाव है, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का यानी राजा का गढ़ कहा जाता है। और अगर ऐसा होता है, कल अगर सिंधिया उन्हें शामिल करा लेते हैं बीजेपी में, तो जरूर ये एक बड़ा झटका होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर हीरेंद्र सिंह, जिनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें, वो कौन है। जल्दी से आपको बता दें, हीरेंद्र सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हीरेंद्र सिंह है, पूर्व विधायक हैं, दादा भाई के भाई के ये बेटे हैं। लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में ये सक्रिय रहे हैं, बंटी बना। पिता मूल सिंह, दादा भाई राघवगढ़ से दो बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक के भाई के बेटे हैं। कुछ समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं बंटी बना, अब बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका हीरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना दे सकते हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें बीजेपी में शामिल करा सकते हैं, ये एक बड़ी खबर होगी राजा के गढ़ राघवगढ़ में, एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से होगी। हालांकि दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और दो दिवसीय दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में तो शामिल होंगे ही सिंधिया, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अगर हीरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना बीजेपी में आते हैं, खबरें तो लगभग यही हैं। चलिए इस पूरे सियासी समीकरण को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद अब ग्वालियर चंबल में या सिंधिया के क्षेत्र में राजा दिग्विजय सिंह अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर राजा के गढ़ में महाराजा सेंध लगाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, कैसे देखते हैं आप इस पूरे खबर को? देखिए, बहुत अलग तस्वीर है राजनीति की। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं जन यात्रा के जरिए, या जयवर्धन को जैसा वहां प्रभारी बनाया गया, तो उससे समझ आता है कि उस गढ़ पर नजर है दिग्विजय सिंह की। लेकिन बड़ी बात है कि एक तरह से चैलेंज के रूप में इसको कहा जाएगा कि अब उन्हीं के गढ़ में, राघवगढ़ में पहुंच रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले सिर्फ ये होता रहा कि दोनों कांग्रेस के नेता थे तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब उसी गढ़ में जब पहुंचेंगे, महाराजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सभा कर रहे होंगे, तो फिर ये सीधे तौर पर नजर आता है कि उनके गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी है। मूल सिंह मूल रूप से कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार दिग्विजय सिंह के साथ रहे, पूर्व में विधायक रहे, उन्होंने अपना एक बार ऐसा दौर भी आया जब अपनी उन्होंने अपनी सीट खाली की। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उनके बेटे हीरेंद्र, उनके भाई हीरेंद्र ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भी कई समर्थकों के साथ, तो सीधे तौर पर एक मैसेज देने की तैयारी। दरअसल बीजेपी की ये रणनीति का हिस्सा भी है दीपक, जिसमें चाहे छिंदवाड़ा की बात करें या राघवगढ़ गुना, ये वो सब क्षेत्र है जो दिग्विजय सिंह के कभी उसमें रहे हैं, अभी भी दिग्विजय सिंह राघवगढ़ से चुनाव लड़ते रहे, उनसे पहले उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे, तो यही बात है कि सीधे तौर पर सेंध लगाने की तैयारी है और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कल जब मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, उनके साथ कितने लोग हीरेंद्र के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें लगता है एक अलग तरह का मैसेज जरूर जाएगा और दिग्विजय सिंह को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, अब कुल मिलाकर देखना होगा ये पूरे सियासी समीकरण में जो बदलाव आ रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे देखती है, हालांकि बड़ा झटका जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस बातचीत के लिए।